डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। आपके चैप्टर का नेम है सेफ्टी रूल्स, यानी जो है सुरक्षा के नियम। आप लोग जो है अपनी बुक का पेज नंबर 35, ओपन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आपका जो है दिस चैप्टर प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन हाउ कैन यू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट एट डिफरेंट प्लेसेज। ठीक, तो इस चैप्टर में आप जो है सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या होते हैं जिससे आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं एट एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फ्लेट इंसिडेंट, किसी प्रकार का जो है घटना हो उससे आप सुरक्षित करते हैं और किसी भी स्थान पर हो। ठीक, चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे किसी प्रकार का दुर्घटना हो, उससे आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं सुरक्षा के, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी रूल्स। तो आपको जो है किन किन पॉइंट पर बात करना है हम आपको बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका एट होम, यानी जो घर पर है। ठीक, तो घर पर किस प्रकार की सुरक्षा करनी है और दिया है इन द किचन एंड बाथरूम, और किचन और बाथरूम में किस प्रकार की सुरक्षा करनी है अपनी, और दिया है सेफ्टी विद इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत से। ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे किस कैसी सुरक्षा करनी है, आप उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 35 आप लोग ओपन करेंगे, तो आपका बुक देखिए, अपना बुक थोड़ा पेज नंबर 35 पर दिया है यू हैव ऑलरेडी लर्न द रूल ऑफ सेफ्टी। आप लोग जो है पहले ही, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही लर्न में सीख चुके हैं, द रूल्स ऑफ सेफ्टी मीन्स सुरक्षा के नियम, एट होम मीन्स घर पर, एट स्कूल मीन्स स्कूल पे, इन द प्ले ग्राउंड खेल के मैदान में, वाइल ट्रेवलिंग बाई बस, और जब आप बस के द्वारा ट्रेवल करते हैं तब, एंड ऑन द रोड और सड़क पर, इन सभी जगहों पर आज हमने क्या किया है, सुरक्षा के नियम हमने सीखा है। हियर वी विल लर्न अबाउट द सेफ्टी रूल्स, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हियर वी विल लर्न, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे मोर मीन्स थोड़ा अधिक सीखेंगे अबाउट द सेफ्टी रूल्स मीन्स सुरक्षा के नियमों के बारे में। तो फर्स्ट आपका दिया है, आपको कहाँ पर सुरक्षा देखना है, फर्स्ट आपका टॉपिक है एट होम, घर पर सुरक्षा, एट होम यानी घर पर सुरक्षा। तो दिया है ऑल एक्सीडेंट डॉट अक्योर इन होम, ऑल एक्सीडेंट सभी घटनाएं डेट मीन्स जो कि अक्योर मीन्स घटित होती हैं इन द होम मीन्स घर में, कैन बी प्रिवेंटेड बाई बेसिक सेफ्टी रूल्स, कैन बी प्रिवेंटेड मीन्स रोका जा सकता है बाई बेसिक सेफ्टी रूल्स, कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स सुरक्षा के नियमों के द्वारा, कुछ आधार सुरक्षा के नियमों के द्वारा क्या कर सकते हैं, उस एक्सीडेंट को रोक सकती हैं। तो घर पर आपके कौन कौन से, घर पे आपके जो है पहला क्या है, किचन दिया है, इसमें आपको जो है पहला किचन दिया है, तो किचन में हम देखेंगे किस प्रकार सुरक्षा करनी है। तो दिया है इन द किचन, ठीक, इन द किचन फर्स्ट हमारा टॉपिक है, इन द किचन यानी किचन में सुरक्षा। तो देखेंगे दिया है नेवर यूज अ चेयर और टेबल, आप कभी मत यूज कीजिए, नेवर मीन्स कभी नहीं, यूज अ चेयर,
चेयर का यूज कभी मत कीजिए किसके रूप में, और टेबल सॉरी और टेबल या जो है किसी मेज का, और पाइल ऑफ बॉक्सेज यानी जो है बॉक्सों का, बॉक्स का ढेर, ठीक, इन सभी का यूज कभी मत कीजिए किसके रूप में, एज अ लैडर यानी जो है सीढ़ी के रूप में। आप लोग करते हैं घर पर किसी सामान को उतारना होता तब क्या करते हैं, किसी चेयर का यूज कर लेते हैं, किसी जो है बक्से का यूज कर लेते हैं ढेर लगाकर, और कभी जो है चेयर का यूज कर लेते हैं, कभी मेज का यूज कर लेते हैं। तो आप जो है कभी ऐसा यूज मत कीजिए सीढ़ी के रूप में, एज अ लैडर यूज अ रियल लैडर। आप क्या कीजिए, एक वास्तविक सीढ़ी का यूज कीजिए, जो सीढ़ी होता है आप जो वास्तविक सीढ़ी होता है उसका यूज कीजिए। एंड हैव सम ऑन होल्ड सॉरी एंड हैव सम वन होल्ड, और कुछ लोगों को जो है इसको पकड़ने के लिए रखिए, पास में रखिए। इट मीन्स इसे फॉर यू, आपके लिए, इट इफ पॉसिबल यदि संभव हो तो किसी को पास में रखिए इसको पकड़ने के लिए, सीढ़ी को पकड़ने के लिए। टू प्रिवेंट कट्स यानी जो है कटने से, कट को रोकने के लिए, कटने से रोकने या बचने के लिए। कीप किचन नाइफ्स और अदर शार्प टूल इन द रैक और बॉक्स। कीप किचन नाइफ्स मतलब जो किचन में आपके जो चाकू रखे हुए हैं, और अदर शार्प टूल्स और दूसरे जो तेज धार वाले हैं, शार्प हैं टूल्स, जो भी टूल्स हैं आपके औजार हैं, वो क्या कहाँ रखिए, इन अ रैक और बॉक्स, किसी रैक में या किसी बॉक्स में रखिए। यह है स्वीप अवे ब्रोकन ग्लास एज सून एज पॉसिबल। स्वीप अवे मतलब झाड़ कर उसे दूर कीजिए, किसे, ब्रोकन ग्लास मतलब टूटे हुए ग्लास को, एज सून एज पॉसिबल जितना से जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके टूटे हुए ग्लास को आप क्या कीजिए, झाड़कर उसको दूर हटाइए। नेवर पिक अ ग्लास पीस विद बेयर हैंड। नेवर पिक मतलब कभी मत उसको पिक करिए, पिकअप करिए उसको, कभी मत उठाइए। ग्लास पीस मीन ग्लास के टुकड़े, कांच के टुकड़े को जो है कभी मत उठाइए किसके द्वारा, विथ बेयर हैंड नंगे हाथ से जो है आप उसको जो है कभी जो है उठाइए नहीं। प्रिवेंट फॉल्स बाय वाइपिंग अप वाटर मतलब क्या करें, प्रिवेंट मीन्स रोकी, फॉल्स बाय वाइपिंग अप वाटर पानी को जो है फैलने से उसे रोकें। और क्या दिया है, ग्रीस, ग्रीस को भी, और एनीथिंग एल्स और दूसरे जो है दूसरे ग्रीस या एनीथिंग एल्स और दूसरे जो है द्रव स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, जो कि फ्लोर पर आपके जो फर्श पर जो है स्पिल्ड हो, फैले हुए हो, ठीक, बिखरे हुए हो, उनको जो है फैलने से आप कीजिए क्या कीजिए, रोकिए, नहीं तो जहाँ देखिए फिसलन हो जाएगी, फिसल जाएंगे आप। तो आपका जो है नेक्स्ट दिया है इन द बाथरूम, इन द बाथरूम बाथरूम में देखेंगे किस प्रकार सुरक्षा करनी है। तो देखिए दिया है टू प्रिवेंट फॉल्स गिरने से जो है रोकने के लिए, यूज नॉन स्लिपरी चप्पल्स, ठीक, न फिसलने वाले चप्पल यूज कीजिए बाथरूम में जो है गिरने से बचने के लिए, आप जो है न फिसलने वाले चप्पल यूज कीजिए। वाइप अप स्पिल्ड लोशन अदर लिक्विड एंड पाउडर प्रिवेंट स्लिपिंग, ठीक, आप क्या कीजिए वाइप अप मतलब उसको क्या कीजिए, पोस्ट डालिए। स्पिल्ड लोशन मीन्स जो फैले हुए लोशन है, अदर लिक्विड और दूसरे लिक्विड और पाउडर है उसको पोंछ दीजिए, प्रिवेंट स्लिपिंग मीन्स फिसलने से, फिसलन को रोकने के लिए। इन द गार्डन नेक्स्ट आपका है, इन द गार्डन देखिए दिया है यूज वर्क ग्लव्स टू प्रोटेक्ट योर हैंड, क्या कीजिए, यूज कीजिए वर्क ग्लव्स, काम करने वाले ग्लव्स को
जो दस्ताने होते हैं उनको यूज कीजिए टू प्रोटेक्ट योर हैंड, अपने हाथ की सुरक्षा के लिए, फ्रॉम कट्स एंड स्क्रैचेज, मतलब कटने से और स्क्रैच से बचने के लिए जो है हैंड ग्लव्स का यूज करें। कीप योर गार्डन टूल इन अ गैराज, अपनी गार्डन के टूल्स को, आपके गार्डन में यूज होने वाले जितने टूल्स हैं उनको कहाँ रखिए, इन अ गैराज, किसी गैराज में रखिए। नेवर लीव देम लाइंग अराउंड, और उन्हें जो है इधर उधर पड़ा हुआ न छोड़ें। नेक्स्ट आपका दिया है सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिसिटी, सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से सुरक्षा। दिया है ड्राई योर हैंड्स थरफली बिफोर यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जो है ड्राई योर हैंड थरफली यानी अपने हाथ को जो है उचित ढंग से सही तरीके से जो है सुखवाएं, बिफोर यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, वैद्युत उपकरणों को जो है प्रयोग करने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से सुखाएं। केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी का लापरवाही से यूज करना इज वेरी डेंजरस, बहुत अधिक खतरनाक है, डेंजरस है। इट कैन किल यू, यह आपको जो है किल कर सकता है यानी जान से मार सकता है। Never connect too many electrical appliances to one extension cord. Never connect too many electrical appliances to one extension cord. एक ही extension cord से बहुत सारे electrical appliances को कभी connect मत करिए। तो देखिए आपका जो है next topic है safety from fire। इस टॉपिक को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इसे जो है घर पर एक बार फिर से रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।